बंद जैसे हालातों से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के सेब किसानों के लिए नैफेड से खरीद का फैसला लिया गया। किसानों ने भी इस फैसले से राहत की सांस ली। सेब का आधे से ज्यादा सीजन बीत चुका है, लेकिन नैफेड अब तक कुल उत्पादन का 1% सेब भी नहीं खरीद सका। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नैफेड के अधिकारी इसके लिए जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन किसान इसके लिए नैफेड के सेंटर ना होने को बड़ा कारण मानते हैं। खाली 3 से 4 सेंटर खाली नैफेड ने आज तक खोले। देखिए, आप कश्मीर का अगर आप देखेंगे जियोग्राफी के लिए, बहुत दूर दूर से लोगों को लाना पड़े, अपने सेब लाने पड़ेंगे। हमारा ये है कि अगर आप ऐसे सेब खरीदने चाहते हैं तो सेंटर्स बढ़ा दीजिए। हाँ, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1 सेंटर रख दीजिए आप नैफेड का, ताकि किसानों को अपने बागीचों से लेकर के सेब आसानी पहुँच जाएगा। नैफेड ने 12 सितंबर से सेब की खरीद शुरू की थी। इस साल देश में करीब 26 लाख टन सेब उत्पादन की संभावना है, जिसमें से करीब 80% यानी 20 लाख टन जम्मू कश्मीर में पैदा होने की उम्मीद है। नैफेड ने अब तक जम्मू कश्मीर से करीब 3 लाख पेटियां यानी 4500 टन सेब की ही खरीद की है। नैफेड में सेब बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। खबर के मुताबिक 27 अक्टूबर तक केवल 3,350 सेब उगाने वाले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। नैफेड कुल कितना सेब खरीदेगा, इसका कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। नैफेड में आप माल दे रहे हैं, पहले आपके पास एक पासबुक होना चाहिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, तब जाके आपको एंट्री करनी पड़ती है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके जो उसके मतलब ये काबिल होगा रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन हो, पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर उन्हें ये करना था, 1 साल पहले क्यों नहीं किया? अब सीजन जो आ गया है, क्या मैं जाऊंगा, मुझे अभी सेब उतारने हैं, अपने पेड़ों से उतारने हैं, सेब बराई करनी है, कहीं बेचना भी है, या मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाऊं, या मुझे पहले रजिस्ट्रेशन करने जाना है, को इतना टाइम किसके पास बचा है आज की डेट में? नैफेड की अब तक की कुल 3 लाख पेटियों की खरीद में 80% अकेले अनंतनाग से है। सेब की बिक्री के लिए नैफेड दिल्ली में अपने रिटेल सेंटर के साथ साथ फलों और सब्जियों के संगठित रिटेल सेंटर से भी बातचीत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के किसान नैफेड के मैनेजमेंट को लेकर पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं। नैफेड सेब खरीदेगा, इस फैसले के बाद व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये भी साफ है कि ये फैसला किसानों के लिए भी नुकसानदायक ही साबित हो रहा है। सवाल ये है कि नैफेड इतने दिनों में सेब खरीदने को लेकर एक अच्छा सिस्टम तैयार क्यों नहीं कर पाया, और अगर किसानों के सेब नहीं बिक पाए तो इसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? दिल्ली से कैमरा पर्सन सोमेंद्र के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।